एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा जो 11वीं वालों का भूगोल का जो महत्वपूर्ण ट्रिपल स्टार प्रश्न है उस पर थोड़ा बहुत नजर डालेंगे, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। काफी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके मन में कुछ शंका थी कि सर, जो आपने क्लास 12th का डाला तो क्लास 11th का भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपलोड कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि जो स्कूल है काफी सारे जो बारिश के कारण है वो आपकी बंद है, इसीलिए पेपर आने में थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है? तब तक आप लोग अपने टाइम का बचत करते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी सारा महत्वपूर्ण जो कि पिछले साल पूछे भी गए थे, ठीक है? तो आप अपना टाइम के बर्बादी न किए बिना इन प्रश्नों को जो है पूरा का पूरा रट डालिए, ठीक है? तो चलिए आज यहाँ पे कक्षा 11वीं वाले जो है उनका जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? तो अगर आप लोग जो है एक पेन और कॉपी लेके नोट डाउन भी इसको करते चलिए, ठीक है? इनमें से जो सारे के सारे प्रश्न है वो काफी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो से बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। तो वीडियो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो यहाँ पे सबसे पहला है, ये जो सारे के सारे प्रश्न है ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं, ठीक है? तब इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो ये वीडियो को हल्के में, मतलब इन जो प्रश्न है इनको हल्के में ना ले। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक आपका एक कहता है कि भूगोल शब्द, ठीक है, ये केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, पेपर नहीं है, केवल महत्वपूर्ण है। पेपर भी आएगा तो वो भी देखेंगे, लेकिन तब तक आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है? ये काफी सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछले साल के जो पेपर है उनमें आया भी था ये। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको बताना है। जो भूगोल शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दूसरा है, भूगोल विषय के अध्ययन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। जो भूगोल विषय का अध्ययन है उसके क्या दो उद्देश्य हैं वो आपको बताना है। तीसरा है कि भूगोल के अध्ययन के कोई दो उपागम लिखिए, ठीक है, भूगोल के अध्ययन के जो दो उपागम है वो भी आपको लिखना है। चौथा है, मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए। जो मानव भूगोल है किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए, ठीक है? आपका पिछले साल जो है पूछा भी गया था, कभी दो का उपागम पूछ लेता है, कभी शाखा पूछ लेता है, कभी क्षेत्र पूछ लेता है, तो इस पर आपको जो है थोड़ा बहुत प्रकाश डालना है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। आपका जो बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है, बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न का आपका छठवा है कि पृथ्वी से की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका है उसकी परिकल्पना को समझाइए। जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका है उसकी परिकल्पना को समझाना है। प्रश्न का आपका सात है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो एक तारक और द्वि तारक है उनकी परिकल्पना पर प्रकाश डालिए, ठीक है? ये पिछले साल आपसे 3 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है इसके संबंध में जो एक तारक है द्वि तारक है उसकी परिकल्पना पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्रमांक आपसे आठ कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका जो सचित्र आपको वर्णन करना है, ठीक है? आपका अगला देखते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। जो हम आकाश में कई सारे जो तारे हैं वो देखते हैं तो उसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है? ये आपसे जो है पिछले साल का जो पेपर है, मतलब पिछले से पिछले साल का, उसमें पूछा था कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। अब भूकंप से होने वाले प्रभावों के लिखिए। जो भूकंप से होने वाले कौन कौन से प्रभाव हैं, कारक हैं, कैसे भूकंप आता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। तो भूकंप से होने वाले प्रभाव क्या क्या हैं, या फिर भूकंप से के प्रभाव लिखिए, ठीक है? प्रभाव वो एक ही प्रश्न है, ठीक है, कॉपी हो गया है। पृथ्वी की संरचना का वर्णन कीजिए। जो पृथ्वी की संरचना है उसका आपको वर्णन करना है। 3 नंबर में आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की संरचना है उसका वर्णन कीजिए। चलिए आपका अगला देखते हैं। प्रश्न 13 है, बेगनार के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। जो बेगनार है उन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में जो प्रमाण दिए हैं उनकी व्याख्या करना है आपको। प्रश्न आपका जो 14 है कि प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित जो प्लेट है उनकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। जो प्लेट संचरण है उनके फलस्वरूप निर्मित जो प्लेट की सीमा है उसका वर्णन करना है। आपका प्रश्न 15 है कि भारतीय प्लेटों के संचलन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। जो भारतीय प्लेटों है उसके संचलन की जो स्थिति है उसको स्पष्ट कीजिए। अब जो आपका यहाँ से आपका सेकंड बुक चालू हो जाता है, ठीक है, जैसे सेकंड बुक आपका, तो भारत के जो अक्षांशी व देशांतरी विस्तार लिखिए। ये 2 नंबर में काफी सारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भारत का अक्षांशी देशांतरी विस्तार क्या है ये आपको लिखना है।
आपसे 17 पूछता है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है? तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, केंद्र शासित प्रदेश, कितने राज्य हैं। प्रश्न अंक आपसे 18 पूछता है कि जो हिमालय पर्वत में स्थित दो दरों के नाम लिखिए, जो हिमालय पर्वत में स्थित जो दर है उनका नाम लिखना है, मतलब दर्रा जो है, ठीक है? प्रश्न अंक 19 है, तराई और भावर क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में आपसे पूछेगा तराई और भावर क्षेत्र में, ठीक है? पिछले साल ये आया भी था 3 नंबर में। इस आप इतना ध्यान रखिए, जितना भी इस वीडियो में है पूरा का पूरा 3 स्टार है, ठीक है? अभी नहीं, अभी तो आएगा ही आएगा, लेकिन वार्षिक में तो ये 100% कंफर्म है कि यहीं से आएगा, अभी भी आएगा, ठीक है? अभी जो है आपका सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जो त्रैमासिक का सिलेबस है उसके अनुसार बनाया गया है, लेकिन ये प्रश्न जो है पूरे के पूरे जो वार्षिक में है वो 100% कन्फर्म है कि यहीं से आता है, ठीक है? बांगर से क्या तात्पर्य है, जो बांगर है उससे क्या तात्पर्य है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है बांगर से क्या तात्पर्य। हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, ठीक है? हिमालय से निकलने वाली नदियों में अंतर, बंगाल की खाड़ी में निकलने वाली नदियों में क्या अंतर है, तो ये आपसे पूछ लेता है। जल सांभार किसे कहते हैं, जो जल सांभार है वो किसे कहते हैं, ठीक है? जल सांभार किसे कहते हैं आपको लिखना है। डेल्टा तथा ज्वार नद मुख में अंतर लिखिए, जो डेल्टा है वो ज्वार नद मुख में अंतर लिखना है। डेल्टा किसे कहते हैं समझाइए, डेल्टा किसे कहते हैं समझाइए। यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, काफी सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यू आकार की होती है, ठीक है? यहाँ पे ये थोड़ा यूएसए, यू मतलब इंग्लिश वाला, ठीक है? यू आकार की जो घाटी होती है उसका निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में वर्णित 2 प्रमुख प्लेटों का वर्णन कीजिए, जो प्लेट विवर्तनिकी है सिद्धांत है उसमें प्रमुख जो वर्णित प्रमुख प्लेट है उनका वर्णन करना है। प्रश्न अंक 28 आपका कहता है वेगनार के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है? वेगनार के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके पक्ष में दिए गए जो प्रमाण है उसकी व्याख्या कीजिए। मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए, जो मृदा निर्माण है उनके कारक कौन कौन से हैं उसका वर्णन आपको करना है। तीसरा आपका है अंतरजाल और बहिर्जात में अंतर लिखिए, ठीक है? अंतरजात है ये ता है, ठीक है? तो अंतरजात और बहुजात वलों में अंतर आपको लिखना है। तो चलिए, हमने यहाँ पे जो आपके लिए काफी सारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो काफी सारा है वर्षों में पूछा भी गया है, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ चर्चा की, ठीक है? तो आप लोग ये सभी जो वीडियो है या फिर ये जो सभी प्रश्न है अपने साथियों के साथ एक बार जरूर साझा करें, ठीक है? ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।